हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑर्डर रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे पास एक ऑल न्यू प्रोडक्ट है, मतलब ऑल न्यू है, ये बेसिकली फेसलिफ्ट वर्जन है। तो ये है 2024 महिंद्रा XUV का 3XO एंड ये जो वेरियंट आप लोग देख सकते MX3 प्रो वेरियंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये गाड़ी आज हमारे सामने है और आज हम लोग इस गाड़ी का एक फुल डिटेल रिव्यू आपको देने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम अर्णव शालदार और आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। सो गाइज लेट स्टार्ट। सो गाइज हियर इज अ कार, दिस इज अ 2024 महिंद्रा XUV 3XO एंड ये जो वेरिएंट है दैट इज अ MX3 प्रो वेरिएंट। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे इंजन ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका तीन इंजन ऑप्शन आता है। एक है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो आपका MPFI टर्बो है और दूसरा है आपका 1.2 लीटर का TGDI मोटर जो लास्ट दो साल पहले आपका XUV टर्बो स्पोर्ट के साथ जो इंजन आया था दैट इज अ TGDI मोटर टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। एंड तीसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो आपका थार का इंजन है, बेसिकली वही सेम इंजन इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको 300 Nm का टॉर्क भी देखने को मिलेगा, मतलब डीजल पे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ अगर आप लोग डिज़ाइन की तरफ देखेंगे तो डिज़ाइन यहाँ पे आपका सिमिलर ही दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपका चेंजेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है बिकॉज ये फेसलिफ्ट वर्जन है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलैम्प्स। हेडलैम्प्स की तरफ देखेंगे, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपका LED हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलता है डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ। जब आप लोग डे टाइम रनिंग लाइट्स मतलब इंडिकेटर्स ऑन होगा तो आपका आपका DRLE कन्वर्ट हो जाएगा इंडिकेटर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और नीचे वाला ये वाला पार्ट आपका DRLE देखने को मिल जाता है, जो आपको जब इंडिकेटर्स बंद होगा तो आपका कुछ ऐसा एक व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे देखेंगे तो देर इज़ नो फॉग लैम्प्स आप चाहो तो बाहर से इंस्टॉल कर सकते हो एज एन एक्सेसरी। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका फ्रंट ग्रिल मिलता है। फ्रंट ग्रिल आपका XUV 700 से थोड़ा सा सिमिलर है, मतलब कि पैटर्न जो है वो आपका एक सिमिलरिटी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और नीचे देखेंगे तो नीचे आपका जो मतलब फ्रंट बम्पर वगैरह है ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द बोनेट, तो बोनेट पर आपको कुछ कैरेक्टर लाइन देखने को मिलता है एंड विंडशील्ड पे आपको फ्रंट वाइपर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस दिस इज द ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। फ्रंट से आपको कुछ ऐसा एक व्यू देखने को मिलता है। एंड नाउ लेट्स कम टू द साइड प्रोफाइल। साइड से जैसे आप लोग इस गाड़ी को देखेंगे तो साइड से आप लोग देख सकते हो कि साइड से भी इसको काफी ज्यादा सिमिलरिटी तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो डिजाइन है डिजाइन में काफी ज्यादा एक चेंजेस आया है और साइड से काफी ज्यादा सुंदर भी यहां पे दिख रहा है। साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो यहां पे आपका व्हील आर्च मिलता है एंड ये जो पार्ट है ये पूरा आपको यहां से शुरू होकर पूरा आपको पीछे तक जाता है, जैसा आपको MX3 पे भी देखने को मिलेगा। टायर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको MRA बॉन्डेरा का टायर मिलता है। स्टील व्हील यहाँ पे मतलब नहीं मिलता, स्टाइल व्हील यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और फ्रंट पे आपको डिस्प्ले मिलता है ABS विद EBD के साथ। मिरर्स की तरफ देखेंगे तो मिरर्स आपका ब्लैक कलर में मिलता है गाइस। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर्स यहाँ पे दिया गया विद टर्न इंडिकेटर्स। विंडो पेटल एंड फिनिश इन मैट ब्लैक। बी पिलर ऑल्सो फिनिश इन मैट ब्लैक। ऊपर में आपको कोई भी रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल से आपको एंटेना दिया गया। अगर आप लोग डोर हैंडल्स की तरफ देखेंगे तो फ्रंट डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर पे देखने को मिलता है, रियर डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका फॉइल लिड मिलता है, इसको ओपन करके आप लोग इस गाड़ी में तेल डलवा सकते हो। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो रियर पे व्हील आर्च मिलता है। रियर टायर की बात करेंगे तो MRA बॉन्डेरा का टायर मिलता है। यहाँ पे भी आपको 16 इंच का टायर ही दिया गया, साथ में आपको स्टाइल व्हील यहाँ पे मिल जाता है। रियर ब्रेकिंग की बात करते हो तो रियर पे इसको ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। और उसके साथ अगर आप लोग रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो MX3 प्रो से आपका जो कनेक्टिंग टेल लैम्प्स वाला जो फीचर है ये आपका अवेलेबल हो जाता है। रियर प्रोफाइल के एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो हियर इज योर हाई माउंट स्टॉप लैम्प। अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो दिस कार डजंट गेट एनी रियर डिफॉगर और एनी रियर वाइपर। यहाँ पे आपका कनेक्टिंग टेल लैम्प्स मिलते हैं, LED टेल लैम्प्स यहाँ पे दिया गया। इंडिकेटर्स आपको LED में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रिवर्स लाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको XUV 3XO की बैजिंग, यहाँ पे महिंद्रा का न्यू ट्विन पिक्स लोगो। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे रियर बम्पर अलोंग विद रियर पार्किंग सेंसर्स। एंड थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इस वाले वेरियंट पे भी आपको कोई भी रियर पार्किंग कैमरा ऑफर नहीं किया गया। नीचे आपको स्किड प्लेट वगैरह मिलता है। और उसके साथ अभी हम लोग इस गाड़ी के टेलगेट को ओपन करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट मिलता है। एज यू कैन सी फोल्डेबल सीट दिया गया, यहाँ पे बेंच सीट आपको देखने को नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आप अपना दो मीडियम साइज के सूटकेस या फिर एक बड़ा सूटकेस यहाँ पे आराम से फिट करके ले जा सकता विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखेंगे तो शॉपिंग हुक देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि दोनों तरफ भी यहाँ पे दिया गया। लेकिन इस गाड़ी में आपको जो एक प्रॉब्लम आपको आने वाला है
वो है इसका जो लोडिंग लिफ्ट है दोस्तों, तो इसका लोडिंग लिफ्ट थोड़ा सा ऊंचा है, तो अगर आपका थोड़ा सा भारी सामान हो तो आपको उसको उठा में इसके अंदर रखना, मतलब उठा के इसके अंदर रखने में थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है अगर आप बुजुर्ग पर्सन हो तो। बाकी इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो अभी कर देते टेलीगेट को बंद एंड जाएंगे इस कार के इंटीरियर पे। इंटीरियर पे जाने से पहले सबसे पहले अगर आप लोग दरवाजे की तरफ देखेंगे तो दरवाजा आप लोग देख सकते हो कि ड्यूल टोन कलर में देखने को मिला है, ब्लैक एंड बीच। यहाँ पे आपका इनसाइड डोर हैंडल विच इज फिनिश इन ब्लैक। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑल फोर पॉइंटनेस कंट्रोल मिलता है विद ऑटो डाउन फीचर। यहाँ पे ओआरबीएम का कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका मतलब जो स्टोरेज स्पेस मिलता है, और यहाँ पे आपका हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो बॉटल रखने की जगह मिलता है, दो बॉटल आप रख सकते हैं, एक हाफ लीटर और एक एक लीटर का बॉटल यहाँ पे आराम से फिट करके ले जा सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो स्पीकर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ बटन मिलते हैं जैसे कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल का फंक्शन, हेडलाइट लेवलिंग का स्विच, यहाँ पे तीनों बटन से आपको देखने को मिलेगा। हियर इज योर एसी वेंट्स। और उसके साथ अगर आप लोग स्टेयरिंग व्हील की तरफ देखेंगे तो स्टेयरिंग व्हील आपको नॉर्मल सा स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे दिया गया, कोई भी आपको लेदर या फिनिश यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मीडिया कंट्रोल देखने को मिलता है, राइट साइड पे आपका क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने का कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपका वाइपर का कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका हेडलाइट एंड पासलाइट का पूरा कंट्रोल देखने को मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द सीट्स, तो सीट्स आपका पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिलता है विद सम टेक्सचर जो आपका बीच में दिया गया। और उसके साथ हेडरेस्ट की तरफ देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलता है जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो सीटिंग कंफर्ट इज़ वेरी वेरी गुड, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ के इस गाड़ी को चला सकता हूँ, उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और सीट्स के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्योंकि ये मिड वेरियंट है इस वजह से आपको यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ही पूरा सीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जाएंगे इस गाड़ी के अंदर, लेट्स गो। तो ये हम लोग आगे इस कार के अंदर, सबसे पहले अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका प्योर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसको बेसिकली आप लोग देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपका टैकोमीटर मिलता है, राइट साइड पे आपका क्रूज मतलब स्पीडोमीटर दिया गया है। और उसके साथ बीच में जो स्क्रीन मिलता है इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, मतलब MID डिस्प्ले पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जैसे कि ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गॉज, टेम्परेचर इंडिकेशन, और साथ में आपको डिस्टेंस टेम्परेचर मिलता है, एवरेज फ्यूल कंज्यूमशन, और उसके साथ कुछ इंडिकेशन वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे टस्क्रीन सिस्टम के बारे में तो 10.25 इंच का टस्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ ये पूरा फीचर मिलता है, मतलब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस एप्पल कार प्ले के साथ ये देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल बटन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे मतलब कैमरा तो नहीं आता गाइस, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सेंसर मिलता है तो आपको एक बीप का साउंड ऑब्वियसली सुनाई दिया। और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो दो AC वेंट मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ फिजिकल बटन आपको जैसे कि ट्रिप सेट कर सकते हो, यहाँ से आपका हैजल लाइट का कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका AC का पूरा कंट्रोल मिलता है। AC की बात करेंगे तो मैनुअल AC यहाँ पे दिया गया है। हिस्ड वाले डायल से आप लोग ब्लोअर का एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिफॉगर का स्विच, यहाँ पे AC का डायरेक्शन आप लोग चेंज कर सकते हो, यहाँ से मैक्स AC का एक बटन मिलता है। और उसके साथ थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका USB पोर्ट देखने को मिलेगा, स्टोरेज स्पेस, दिस इज योर 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। एंड उसके साथ अगर आप लोग गियर शिफ्ट की बात करेंगे तो गियर शिफ्ट आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा गियर शिफ्ट यहाँ पे दिया गया, तो गियर शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन लोगों ने किया है। एंड मैनुअल हैंड ब्रेक, ट्विन कप होल्डर। अगर आप लोग ग्लव बॉक्स के अंदर के स्पेस की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स के अंदर का स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे ऑफर किया जाता है, आपको उतना ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है। और ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपका सनवाइजर मिलता है, पैसेंजर से सनवाइजर में आपको मिरर देखने को मिलता है बट देयर इज नो लाइट। एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको नॉर्मल से एक सनवाइजर यहाँ पे ऑफर किया गया। अगर आप लोग यहाँ पे IRBM की बात करेंगे तो मैनुअल डिमिंग IRBM यहाँ पे ऑफर किया जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे आपका सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है। और रीडिंग लैम्प की बात करें तो रीडिंग लैम्प आपका हैलोजन पे रीडिंग लैम्प दिया गया। सो गाइस यही था पूरा फ्रंट इंटीरियर के बारे में, फ्रंट में जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब चलते हैं इस कार के रियर सीट्स पे। रियर सीट्स पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कार के रियर पैसेंजर्स के लिए कितनी ज़्यादा स्पेस, क्या कम्फर्ट एंड क्या फीचर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है, लेट्स गो। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे इस कार के रियर सीट पे। रियर सीट पे जाने से पहले अगर आप लोग यहाँ पे रियर डोर की तरफ देखेंगे तो रियर डोर भी आपको ड्यूल टोन कलर में देखने को मिलता है, ब्लैक एंड बीच। यहाँ पे आपका इनसाइड डोर हैंडल जो आपका ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया। यहाँ पे आपका स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे आपका हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो वाटर होल्डर के लिए जगह दिया गया। और अगर आप लोग सीट्स की तरफ देखेंगे तो सीट्स भी यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक कलर का सीट मिलता है विद सम टेक्सचर जो आपका बीच में मिलता है। दो हेडरेस के साथ ये पूरा सीट आपको देखने को मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस यहाँ पे दिया गया जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो।
अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो कंफर्ट है, कंफर्ट इज़ वेरी वेरी गुड, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी हम लोग इस सीट्स में बैठ के देखते हैं कि कितना ज़्यादा नी रूम स्पेस हमको मिलता है। तो फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा नी रूम स्पेस मिल गया। आप लोग देख सकते हो सीट के पीछे आपको सीट पॉकेट पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली आप मैगजीन वगैरह रख सकते हो। दरवाजे का थर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर देखेंगे तो ट्विन एसी वेंट्स मिलता है। यहाँ पे आपका सी टाइप पोर्ट देखने को मिलता है, मोबाइल रखने का जगह, और उसके साथ यहाँ पे देखेंगे तो एक्को 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा आपको व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रीडिंग लैम्प मिलता है, हैलोजन पे दिया गया, और उसके साथ यहाँ पे आपको एक सिंगल पेंट सनरूफ का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो MX3 वेरियंट से आपका सनरूफ अवेलेबल हो जाता है, तो MX3 प्रो में भी आपको ऑब्वियसली सनरूफ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे हेडरूम के बारे में, तो हेडरूम स्पेस भी आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हेडरूम स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑलमोस्ट 5'7" और मुझे यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है, मैं बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे गाने सुन के सुनते जा सकता हूँ, उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट द रियर सीट ऑफ दिस कार। अभी हम लोग जाएंगे इस कार के बाहर, लेट्स गो। सो गाइस, दिस वाज माय डिटेल रिव्यू अबाउट द 2024 महिंद्रा 3XO, बेसिकली XUV 300 का फेस लिफ्ट आप लोग बोल सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसा लगा, और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो वो भी हम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू। टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।